तो मतलब आपके पास सभी रेंज के बच्चों के लिए सब चीज़ अवेलेबल है। हाँ तो गाइज मैं आज मैं बहुत टाइम के बाद आया हूँ यहाँ पर इस बार के लिए कुछ लेने के लिए, तो मैंने सोचा एक व्लॉग बना ले। इशू मैं देख तेरे लिए क्या लेके आया, क्या लेके आया देख, इधर देख इधर देख, अच्छी है अच्छी। प्लास्टिक फाड़ देना, गाड़ी मत तोड़ देना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं इस वक्त आचोले रोड पे हूँ, मेरे घर से थोड़ा ही दूर हूँ, और यहाँ पर मैं ए टू जेड डॉलर शॉप में आया हूँ, और ये एक टॉय शॉप है। मेरे सामने खड़े हैं आशु भाई, शॉप के ओनर। तो चलिए, थोड़ा मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करने आया था, तो मैंने सोचा कि इसको हम लोग एक व्लॉग में डाल देते हैं। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं हम आशु भाई से। और आशु भाई कैसे हो? ठीक है। और आपके शॉप के बारे में, मतलब मैं यहाँ पे आया था कुछ लेने के लिए, तो देखो गाइज यहाँ पे काफ़ी सारा कलेक्शन है। तो पहले आशु भाई से पूछ लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो आशु भाई, यहाँ पे अभी आपके पास क्या क्या टॉयज अवेलेबल है, ऊपर ऊपर से आप बता दो। हमारे पास सभी प्रकार के टॉयज, बोर्ड गेम, ट्राई साइकिल, वॉकर, क्रेडल, बहुत सारी आइटम अवेलेबल है अभी। ओके, तो मतलब आपके पास सभी रेंज के बच्चों के लिए सब चीज़ अवेलेबल है। तो गाइस मैं न्यू बॉर्न से एडल्ट तक। तो आशु भाई, अपने इस दुकान को कितने साल हो गए यहाँ पे? मेरे दुकान को अबाउट 22 ईयर हो गए। 22 ईयर्स हो गए। तो देखो गाइस, ये दुकान यहाँ पर, मतलब मुझे नहीं पता है कि आचोले रोड पे यहाँ पर कोई और ऐसी शॉप है जहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्सेसरीज है। काफ़ी वाइड रेंज है यहाँ पर टॉयज की। अंदर देखो पूरा भरा हुआ है, ठीक है। क्या क्या है मैं यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता आपको, बहुत कुछ है यहाँ पर। पूरा टॉय कार्स का सेक्शन है यहाँ पर, बाबी किट भी मिल जाएगी आपको, और बहुत वास्ट है यहाँ पे। नीचे ट्राइसिकल्स है, बाइसिकल्स है बच्चों के लिए, और यहाँ पर भी देखो पूरा सेक्शन भरा हुआ है। ये पूरा सेक्शन है यहाँ पर, देखो बाबीज है, डॉल्स है, मैट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो मैं आशु भाई की शॉप से बहुत टाइम से आ रहा हूँ, और कुछ ना कुछ लेकर जाता हूँ। आज मैं बहुत टाइम के बाद आया हूँ यहाँ पर इस बार के लिए कुछ लेने के लिए, तो मैंने सोचा एक व्लॉग बना लेते हैं यहाँ पर। ये पूरे यहाँ पर ये क्या है आशु भाई? सब बोर्ड गेम्स ही है ना यहाँ पर। स्किपिंग्स भी पड़ी हुई है, स्किपर्स भी है यहाँ पर। यहाँ पर देखो वीडियो गेम भी है, और जो हम लोग हैंड गेम खेलते हैं PS टाइप, वो भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ये सब ट्राइसिकल्स है, और अंदर वहाँ पर कुछ स्टैचूज भी है, कप्स है, वहाँ पर पूरा सॉफ्ट टॉयज का सेक्शन है। देखो वहाँ पर पूरे बारबीज है, ठीक है। तो मतलब मैं सब चीज़ कवर नहीं कर पाऊँगा, इतना कुछ है यहाँ पर। गिटार देख रहा हूँ मैं, और टॉय ट्रेन्स भी है इनके पास, वहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह भी है, बुलडोज़र, क्रेन वगैरह, रिमोट कार्स, ठीक है। पूरा सेक्शन है, बाहर भी काफ़ी ज़्यादा है, बाहर साइकिल्स है, तो पूरा सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो आशु भाई, यहाँ का क्या रिस्पांस मिल रहा है अभी? आप इस स्पॉट पर कितने साल से हो? इस स्पॉट पे अबाउट 2 ईयर। थोड़ा लाउड करो। 2 ईयर 2 ईयर 2 साल से आप इस स्पॉट पर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर नाला सोपारा में काफ़ी घूमा हूँ, लेकिन मैंने ये शॉप, मतलब आशु भाई की शॉप पहले कहीं और थी, और वहाँ भी बहुत ज़्यादा वाइड रेंज देखने को मिलती थी, और दूसरी कोई शॉप मुझे नहीं लगता इतनी वाइड रेंज में, मतलब इस रोड पर है। नाला सोपारा का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर किसी को भी यहाँ से कुछ भी चाहिए, तो मैंने आपको अभी मेरे ख्याल से 10-15% भी नहीं दिखाया हूँ इस शॉप में, इतनी एक्सेसरीज है। तो अगर किसी को चाहिए, कोई भी आता है, तो कैसे आएगा आशु भाई यहाँ का? आप एक एड्रेस बता दो। ये श्री गणेश शॉपिंग सेंटर, अच्छा, अपोजिट साई नाम टावर, बिसाइड महादेव मंदिर। ओके, और आचोले रोड, नाला सोपारा ईस्ट, है ना। तो फ्रेंड्स, जिस जिसको चाहिए वो आ जाओ आशु भाई की शॉप पर, और अगर मेरे चैनल से कोई आएगा तो नाम बता देना कि आप इरफान खत्री व्लॉग्स देखकर आ रहे हो, ठीक है। और आशु भाई यहाँ पे बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट भी देते हैं, और इनके पास जितने भी टॉयज है ISI ट्रेडमार्क के साथ होते हैं, मतलब जो चीप क्वालिटी के टॉयज है वो यहाँ पर रखते नहीं है, लेकिन इनका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना डिमांडिंग प्राइस नहीं होता है जितना आपका, जैसे कि ये टॉय ट्रक है, ये टॉय भी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर अच्छे ब्रांड मिलती है, अच्छी क्वालिटी मिलती है, और यहाँ पर आपको रीजनेबल रेट में मिल जाएगा, ठीक है। आशु भाई, तो आप व्यूवर्स को कुछ बोलना चाहते हो? बस व्यूवर्स
आएंगे उनको अच्छे रेट्स मिलेंगे और अच्छी प्राइस में वो शॉपिंग कर सकते हैं अपने पास। अभी टॉयज में हर आदमी का बजट है, जो बजट अलाउ करता है 100 रुपीज़ से लेके 3000, 4000, 5000 तक। अच्छा, मतलब आपके पास सब भी बजट के यहाँ पर टॉयज मिल जाएंगे, है ना, और अच्छी क्वालिटी में भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आशु भाई की शॉप। एक्चुअली यहाँ पर टॉयज से रिलेटेड और बाकी और भी स्टेशनरी से रिलेटेड भी कुछ आइटम यहाँ पर मिल जाएगा। चलो आशु भाई, तो गाइस ये वाला ट्रक मैं लेकर आया हूँ इस बार के लिए उसी ए टू जेड डॉलर शॉप से। तो अभी मैं घर के सामने खड़ा हूँ मेरे, और अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं इस बार का क्या रिस्पांस आता है। और अभी गेट बंद है, इसको खोल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इस बार जल्दी आ, ए इसबा, ये देखो ये लोग भी आ गए सब। ईशु, मैं देख तेरे लिए क्या लेके आया, क्या लेके आया, देख ये देख, डंपर ट्रक अच्छी है। इधर देख, इधर देख, अच्छी है, अच्छी है। अच्छी लगी हाँ, अच्छी लगी। चलो इसको खोलते हैं, अच्छी लगी, ये तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रही है। चलो खोलते हैं इसको। हाँ, किसका ही है, ईशु का है, ठीक है। चलो इसको खोलते हैं। हाँ चलो खोलो, तुम लोग खोलो मिलके। फाड़ दे वहाँ से प्लास्टिक, अरे प्लास्टिक फाड़ देना, गाड़ी मत तोड़ देना। सब भाई मिलके खोल रहे हैं, इस बार की गाड़ी निकाल रहे हैं। पूरा प्लास्टिक फाड़ बेटा, हाँ वे ऐसे नहीं, खाली प्लास्टिक पकड़, गाड़ी को खींच, पकड़ के मत खींच, वो निकलने से पहले टूट जाएगी। सिर्फ प्लास्टिक को निकाल, हाँ सिर्फ प्लास्टिक को निकाल। अरे यहाँ तक ये देखो, देखते हैं। चल रुक रुक, इस बार दिखाने दे, ये प्लास्टिक मत फेंकना, मत उसको रख दे, ये इस बार का, हाँ ला दे इधर, दे इधर, हाँ ले बस, इसको प्लास्टिक ज़्यादा पसंद आ रहा है गाड़ी से। ये इस बार का ट्रक, और ये इस तरीके से डंप करता है, ठीक है। और ये देखो सामने से ट्रक, अच्छा है ना, अच्छा है ना, डंपर भी कुछ ऐसे लिखा है, जेसीबी, हाँ हाँ जेसीबी लिखा हुआ है। तो ये ऐसे डंप करता है, ये अच्छा ट्रक है। ऐसे ऐसे छोड़ छोड़, मैं धक्का मारता हूँ, ये देख, हाँ ऐसे अच्छा है ईशु, हाँ। तो इस बार को ये बहुत पसंद आ गया, इस बार अच्छा है ना। इसके लिए बहुत दिन से गाड़ी ढूंढ रहा था मैं, जो कि साइज में बड़ी हो, और लास्ट में ये वहाँ ए टू जेड डॉलर शॉप में मिली, आशु भाई की शॉप पे, ठीक है। अच्छी है गाड़ी, ऐसी चाहिए। तो ये रेड एंड येलो कलर में देख रही है, तो बोल रही है ऐसी चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए तुझे, रस्सी चाहिए। अच्छा इसको रस्सी चाहिए, इसको आगे बांधकर खींचने के लिए, ये रस्सी मांग रही है। हाँ चलो, ये रस्सी निकाल के देते हैं इस बार को, हाँ ठीक है। तो ये देखो, इस बार को रस्सी बांध के दे दिया हूँ मैंने, और उसको चला रही है रस्सी से, खींच खींच, चला, हाँ टर्न मार, इधर लेके आ, ऐसे ऐसे खींच के ला, इधर आ इधर, हाँ वेरी गुड। तो इसको ऐसे चलाना था गाड़ी को, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन वाली गाड़ी है, पुश पुल वाली नहीं है, मतलब इसको खींचेंगे तो ये चलेगी, ठीक है। अच्छी है ना ईशु,
इस बार का डोरेमोन भी ब्लू एंड व्हाइट है और इसका ट्रक भी ब्लू एंड व्हाइट है, डंपर इशू अच्छा है। अभी शाम का टाइम है, एक्चुअली घर पे मैं बहुत पहले आ गया था और आज मम्मी गई हुई है मौसी के घर पे, जो बकरों का काम है वो पूरा मुझे करना पड़ा आज, इसीलिए मैं आज टेरेस का व्लॉग ऐड नहीं कर पाया। और अभी यहाँ पर मेरे पास बैठी है इसबा और वो कुछ मोबाइल में अपने कार्टून वगैरह देख रही है। ये रही इसबा की डंप ट्रक जो मैं लेकर आ गया था और ये देखकर इसको बहुत ज्यादा खुश हुई थी। देखो अभी ये मोबाइल लेकर बैठी हुई है और अभी भी इसने अपना ट्रक अपने सामने रखा है और वो है आयान का डंपर, ठीक है, तो वो भी काफी अच्छा डंपर है और ये आयान राजस्थान से लेकर आया था। शो हाँ नहीं बैठ नहीं सकते इस पे, टूट जाएगा ये, बैठ नहीं सकते, ठीक है। तो आयान आया था अभी ब्लॉग शूट करने के लिए, लेकिन अभी उसके ट्यूशन टीचर आ गई तो वहाँ चले गए, अभी वो पढ़ाई कर रहा है और उसको हम लोग इस ब्लॉग में ऐड करेंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। फ्रेंड्स अभी यहाँ पर कुछ बनाए जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं है क्या ये, लेकिन ये कबाब है, कौन सा कबाब है ये, चिकन और आलू के कबाब है ये, ठीक है, तो चिकन और आलू के कबाब बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर है आयान, हो गया ट्यूशन, ट्यूशन हो गया, पीछे चली गई, नहीं जा रही है, तेरी डंपर अंदर रखी हुई है, हाँ हाँ अभी जाता हूँ। तो पहले इसको क्या करना पड़ता है, ऐसे पहले इसको ऐसे गोल करना पड़ता है ना, उसके बाद में ये क्या है, अंडा, अंडे का लिक्विड है ये, ठीक है, फिर इसमें डुबा के फिर क्या करने का, इसमें डाल देने का, और ये क्या है, ब्रेड का क्रम, ब्रेड आपको लेकर आ जाओ, देख सकते हो डंपर गाइस पे डंपर लेकर आ जाओ अपना, हो गया ट्यूशन, हो गया ट्यूशन इतनी जल्दी, एक घंटा हो गया, हाँ होमवर्क ले लिया, क्या पता ट्यूशन पढ़ते या तुम क्या कर, अरे पढ़ता हूँ। फिर ये क्रम में से निकलने के बाद में ये ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, अभी इसको डायरेक्ट फ्राई कर देंगे। अभी देखो यहाँ से इस बार कैसे चलाएगी अपने डंपर को, देखो कैसे लेकर जा रही है वो डंपर, उसको ऐसे चलाने में बहुत मजा आ रहा है। आ जा सीधा जा, अभी आ जा रही था ना, वापस आ, देखो कैसे चला रही है, देखो नॉर्मल वाला बज्जी पैर हमारा, और यहाँ पर मैंने एक स्टिक दे दी है इन लोगों को बैठने के लिए, ये हमारा जंबो, लाइट प्रॉब्लम बहुत हो रहा है रात का टाइम है, तो ये हमारा जंबो पैर, इनको भी एक स्टिक दे दी है मैंने यहाँ पर, इनका ब्रीडिंग बॉक्स यहाँ रख दिया है, ठीक है, और ये हमारा मीको, गाड़ी अच्छी है, इशू ऐसा कर, बाय, मैं चले जाऊंगा, बाय बोल, बाय जोर से बोल, बाय बाय बाय।